Hello friends, I am Lakshmikant. Welcome back to my YouTube channel. Dear friends, today we will learn the poem Yusuf, and this poem is composed by James Russell Lowell. दोस्तों आज हम यूसुफ नाम की पोएम पढ़ेंगे जो कि जेम्स रसेल लॉवेल ने पढ़ी थी. जेम्स रसेल लॉवेल एक अमेरिकन सिविल राइट मूवमेंट में बहुत ही इन्वॉल्व बहुत ही एक्टिव रहने वाले आदमी थे जिनका जन्म एक बहुत ही एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में हुआ था और उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट्स में इन्वॉल्व होने का काम निभाया जिसमें एंटी स्लेवरी मूवमेंट अमेरिकन रेनासांस अमेरिकन रोमांटिसिज्म ऐसे बहुत सारे मूवमेंट्स में उन्होंने काम किया. जेम्स रसेल लॉवेल दोस्तों एक ऐसे पोएट भी है जिनको फायरसाइड पोएट भी या स्कूल रूम पोएट भी कहा जाता है जो कि एक पांच लोगों का ग्रुप था जिनमें विलियम कुलन ब्राइंट हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो जॉन ग्रीनलीफ विटियर ओलिवर वेंडल होम्स एंड जेम्स रसेल लॉवेल ऐसे पांच लोग शामिल थे और इन्होंने इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी बहुत ही ज्यादा काम किया पोएट्री पे या अपने मूवमेंट के सेक्टर में. तो इनकी लिखी हुई पोएम आज पढ़ेंगे जो हमको एक मॉरलिटी फॉरगिवनेस और फिलोसॉफी ऑफ हैप्पीनेस इनके बारे में बताएगी. तो चलिए पोएम को पढ़ते हैं. दोस्तों ये जो पोएम है ये पांच स्टांजा में डिवाइड की है और इस पांच स्टांजा में जेम्स रसेल लॉवेल इज टेलिंग अ स्टोरी स्टोरी ऑफ यूसुफ एज वेल एज अ स्ट्रेंजर एंड देर इज अ कन्वर्सेशन एंड देर इज अ कम्युनिकेशन इन बिटवीन देन एंड वेयर यूसुफ इज वेरी काइंड एंड द स्ट्रेंजर इज रनिंग फ्रॉम हिज लैंड बिकॉज ही इज बाइकॉटेड ही इज यू कैन से रिजेक्टेड बाय हिज पीपल. सो लेट अस सी एंड एंजॉय द पोएम. A stranger come one night to Yusuf's tent, saying, "Behold one outcast and in red, against whose life the bow of power is bent, who flies and hath not where to lay his head. I come to thee for shelter and for food to Yusuf, called through all our tribes the good." यहाँ पे देखिए दोस्तों हम जब पोएम शुरू करते हैं तो हमको पता चल जाता है या हमको दिखता है कि यहाँ पे जो बोलते हैं कि एक स्ट्रेंजर एक अनसीन एक अननोन आदमी एक अनजान आदमी किसके घर में आता है यूसुफ के घर में आता है. उसके घर में वो रहने के लिए आता है और वो बोलता है कि मैं अपने अपनी दुनिया से अपने समाज से अपने मेरे गाँव से निकाला गया हूँ जरा मेरी तरफ देखिए. और वो बोलता है कि मैं रिजेक्टेड हूँ आउटकास्ट हूँ मेरे सोसाइटी में और मैं बहुत ही घबराया हूँ. राइट ये आउटकास्ट का मतलब रिजेक्टेड और कास्ट आउट बाय द सोसाइटी. और वो बोलता है कि अगेंस्ट हुज लाइफ द बो ऑफ पावर इज बेंट मतलब कि मेरे राजा ने या मेरे समाज के लोगों ने जो मेरे पीछे दुश्मन लगाए हैं या मेरे पीछे जो एनिमीज लगाए थे उनसे मैं भाग रहा हूँ. हु फ्लाइज वो बोलता है हु फ्लाइज हैट नॉट वेयर टू ले हिज हेड मतलब मैं ढूंढ रहा हूँ मैं सर्च कर रहा हूँ क्या कि मैं कहाँ रहूँ मैं कहाँ छुपूँ या मैं कहाँ पे अपना सर छुपाऊँ. इसके लिए वो इधर उधर भाग रहा है और अगर वो पकड़ा गया अगर वो वहाँ पे मिल गया तो क्या होगा कि इफ ही कॉट बाय दी और इफ दे कॉट दैट स्ट्रेंजर ही वुड बी किल बाय दीज सोल्जर्स एंड दैट इज वाई ही इज वेरी मच अफ्रेड ऑफ ऑल दी सोल्जर्स एंड हिज एनिमीज. और फिर बाद में वो बोलता है कि आई कम टू दी मैं तुम्हारे पास आया हूँ. कम टू दी मीन्स मैं तुम्हारे पास आया हूँ यूसुफ फॉर शेल्टर एंड फॉर फूड मतलब मुझे खाना भी चाहिए और मुझे रहने के लिए जगह भी चाहिए. और क्यों मैं तुम्हारे पास आया हूँ तो वो बोलता है कि आपने मुझे जो जगह देने की बात कही है मैं जो आपके पास आया हूँ क्यों क्योंकि आप हमारे ट्राइब में हमारे सोसाइटी में हमारे लोगों में एक गुड मैन की तरह फेमस हो. यू आर वेरी गुड इन अवर सोसाइटी यू आर वेरी फेमस एज अ वेरी पॉपुलर एंड वेरी ऑनेस्ट मैन इन माय सोसाइटी. सो दैट इज व्हाई ही प्रेड यूसुफ फॉर हेल्पिंग और फॉर हिज हेल्प एंड फॉर हिज एप्रिशिएशन फॉर हिम एंड ही इज लुकिंग फॉर फूड एंड शेल्टर इन हिज टेंट. अभी देखिए दोस्तों दूसरे स्टांजा में जेम्स रसेल लॉवेल क्या लिखते हैं. वो लिखते हैं अभी स्ट्रेंजर ने उनको पूछा कि मैं भैया तुम्हारे पास आया हूँ और मुझे मदद चाहिए मुझे खाना चाहिए रहने के लिए जगह चाहिए. तो
यूसुफ उनको रिप्लाई करते, वो स्ट्रेंजर आदमी को ही रिप्लाई दैट कि दिस टेंट इज माइन, सेड यूसुफ, बट नो मोर देन इट इज गॉड्स, कम इन एंड बी एट पीस, फ्रीली सॉल्ट दाउ पार्टेक ऑफ ऑल माई स्टोर एज आई ऑफ हीज हु बिल्डिथ ओवर दीज अवर टेंट हिज ग्लोरियस रूफ ऑफ नाइट एंड डे एंड एट हुज डोर नन एवर एट हर्ड नहीं। अभी देखिए दोस्तों इसमें वो क्या बोलता है कि यहाँ पे जो यूसुफ है ही वेलकम्स टू द स्ट्रेंजर एंड क्लेम्स ही क्लेम्स दैट द टेंट टू बी गॉड्स, राइट, ही ए दैट टेंट इज हिज, और ही ए दैट टेंट इज ओन बाय यूसुफ, बट अल्टीमेटली दैट इज गिवन बाय द गॉड बिकॉज दिस वर्ल्ड इज अ क्रिएशन ऑफ गॉड एंड दैट इज वाई द होल क्रेडिट गिव्स ही गिव्स द क्रेडिट टू हिज ओमनीपेटेंट हिज ऑल माइटी फिगर, राइट। सो वो बोलता है कि कम इन, अंदर आ जाओ, और अंदर आने के बाद यहाँ पे रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, यहाँ पे शांति से रहो, बी एट पीस, वो यहाँ पे बोलता है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, पीस मतलब शांति से रहो, फ्रीली शॉल्ट दाउ मतलब अपने मन से, ओपन यू आर ओपन इन माई हाउस, इन माई हट, इन माई टेंट ही सेज, एंड यू कैन टेयर यू नो टेक, यू कैन शेयर, यू कैन बी अ पार्ट इन माई फूड ऑल्सो, इन माई स्टोर ऑल्सो, मेरे घर में जो भी चीजें हैं वो तुम्हारी है, वहां पे तुम इक्वल शेयर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। और बाद में वो बोलता है कि एज आई हिज हु बिल्डिथ ओवर दीज अवर टेंट हिज ग्लोरियस रूफ ऑफ नाइट एंड डे, डे एंड नाइट किसका है, हिज का मतलब वो अपने भगवान को याद करता है, वो बोलता है कि ये टेंट मेरा नहीं है, ये तो सिर्फ फिजिकल थिंग है जो मैं यूज कर रहा हूँ, ये तो किसने है, किसने क्रिएट किया, मेरे गॉड ने, मेरे भगवान ने क्रिएट किया है, मेरे ऊपर तो जो छत है, मेरे ऊपर जो दिन का छाया है या रात का जो अंधेरा है, यही मेरे लिए ब्लैंकेट जैसे है, ऐसे शायद वो बोलता होगा, और तुम चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि मेरे घर के दरवाजे पे नन एवर येट हर्ड ने, मतलब किसी ने भी अभी तक नॉक नहीं किया है, इसलिए यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दिट, एंड ही नेवर रिफ्यूज एनीवन फॉर द हेल्प, एंड द स्ट्रेंजर वॉज टू वेलकम इन इट, बिकॉज यू नो एज वी आर सीइंग इन दिस स्टांजा, वो बोलता है कि ये जो मेरा घर है ये मेरे भगवान ने दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको रहने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पे आराम से रह सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, इन द थर्ड स्टांजा जेम्स रसेल लोवेल राइट लाइक दिस, सो यूसुफ एंटरटेन हिज गेस्ट दैट नाइट एंड वेकिंग हिम इर डे सेड हियर इज अ गोल्ड, माई स्विफ्टेस्ट हॉर्स इज सैडल्ड फॉर दाई फ्लाइट, डिपार्ट बिफोर द प्रेइंग डे ग्रो बोल्ड, एज वन लैम्प लाइट्स अनादर नॉर ग्रोज लेस, सो नोबलनेस इनकिंडल्ड नोबलनेस। इन दिस पर्टिकुलर स्टांजा द पोएट सेज दैट यूसुफ हेल्प दैट स्ट्रेंजर फ्रॉम स्टारवेशन एंड फ्रॉम हिज एनिमीज, एंड इन दिस थर्ड स्टांजा द पोएट शोड द नेचर ऑफ ह्यूमैनिटी इन द फॉर्म ऑफ यूसुफ्स बिहेवियर, एंड दिस ह्यूमैनिटी एज अ वर्च्यू वी कैन फाइंड इन अवर लाइफ ऑल्सो, दैट इज अ मैसेज गिवन बाय द पोएट, गिवन बाय द लॉवेल इन दिस स्टांजा, राइट। सो मैंने पहले भी बोला था दोस्तों कि इस स्टांजा में, ये स्टांजा बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें हमको इस पूरे पोएम की एक थीम यहाँ पे मिल सकती है। वो बोलता है कि भैया तुम यहाँ पे रहो, नो प्रॉब्लम, ये गोल्ड ले लो, ये कॉइन ले लो, और मेरा एक अच्छा घोड़ा जो है, जो सैडल्ड फॉर दाई फ्लाइट, जो बोलता है इसका मतलब है कि तुम वहाँ पे तुम्हारे सफारी के लिए, तुम्हारे जंगल में जाने के लिए, यहाँ से भाग जाने के लिए मेरा घोड़ा तुम लेके जा सकते हो जो कि तैयार बैठा है, राइट। और वो बोलता है कि तुमको यहाँ से निकलना है, डिपार्ट बिफोर द प्रेइंग डे ग्रो ओल्ड, मतलब सुबह होने से पहले, दिन बड़ा होने से पहले तुमको यहाँ से निकलना है, लाइट होने के पहले, नहीं तो लोग तुमको पकड़ लेंगे, तुम लोगों को दिख जाओगे, ऐसे भी शायद वो यहाँ पे बोलता है। और यूसुफ ग्रांटेड हिम हिज स्विफ्टेड हार्स, स्विफ्टेड का मतलब यहाँ पे दोस्तों बहुत ही प्यारा सा घोड़ा,
और सैडल का मतलब ये जो पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये जो घोड़ा तैयार बैठा है इसके जिसके ऊपर हम बैठते हैं उसको हम सैडल बोलते हैं। और दाई फ्लाइट मतलब यहाँ से तुम्हारा जाना, डिपार्ट मतलब यहाँ से निकल जाना, यहाँ से निकल जाओ। प्रेइंग डे ग्रो ओल्ड मतलब क्या कि दिन निकलने के पहले यहाँ से निकल जाओ। और दोस्तों ये दो लाइन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो बोलता है कि एज वन लैम्स लाइट अनादर, मतलब एक कान की खबर दूसरे कान तक पहुंचने के पहले तुमको यहां से निकलना है। और ये जो मैसेज है यहाँ पे ह्यूमैनिटी का मैसेज है, लोगों तक पहुंचाना है, मतलब नोबलनेस एनकिंडल्ड नोबलनेस, मतलब एक के दिल में जो प्यार की भावना जगी है वो दूसरे के भी दिल में जगनी चाहिए। ये जो मैसेज है ह्यूमैनिटी का, ये जो ह्यूमैनिटी के अप्रोच है इस पोएम में, इस स्टांजा में हमको जेम्स रसेल लॉवेल बताते हैं। इन द फोर्थ स्टांजा रसेल सेज दैट इनवर्ड्स लाइट द स्ट्रेंजर फेस मेड ग्रैंड, ही सेज। मतलब क्या कि जैसे ही उसको यूसुफ ने उसको एंटरटेन किया, उसको जो सर्विस दी, जिसको खाना दिया, रहने के लिए जगह दी, अपना घोड़ा देने के लिए वो तैयार हो गया, तो क्या हो गया उसके मन में एक अंतर मन में उसको एक समझ में आ गया कि ये जो मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो बहुत ही अच्छा आदमी है। तो वो बोलता है कि इनवर्ड लाइट मतलब उसके मन की अंतरात्मा जागी हो गई और जग गई, और वो उसके चेहरे पे सीधे सीधे रिफ्लेक्शन उसका दिख सकता है इस लाइन में। द स्ट्रेंजर्स फेस मेड ग्रैंड विच शाइन्स फ्रॉम ऑल द सेल्फ कॉन्फेस्ड, मतलब उन्होंने जो गुनाह किया था, उन्होंने जो क्राइम किया था, उन्होंने जो कुछ किसी का खून वगैरह किया होगा, वो सेल्फ रेट्रोस्पेक्शन और ही इज जस्ट नोइंग दाई सेल्फ एंड दैट काइंड ऑफ सेल्फ कॉन्फेस्ड इज फाइंडिंग हियर इन द सेकेंड लाइन। एंड जैसे ही उसको समझ में आता है कि वो उसके पैरों में झुक जाता है, नीलिन लो, राइट। फिर बाद में वो बोलता है कि ही बोव्ड हिज फोरहेड अपॉन यूसुफ हैंड, अपना जो सिर है, अपना जो माथा है, अपना जो मस्तक है उसके हाथों पे वो रख देता है और वो रोने लगता है। ही स्नोबिन, सोबिन का मतलब क्राइंग, और वो बोलता है कि ओ शेख, ही सेज ओ शेख आई कैन नॉट लीव दी सो, मैं ऐसे ही यहां से नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि तो वो बोलता है कि आई विल रिपे दी, अभी वो बोलता है कि मैं अपने कर्मों का प्रायश्चित करना चाहता हूं, तुम मुझे मार डालो। क्यों ऐसे क्यों बोलता होगा वो? क्यों? क्योंकि वो दूसरे लाइन में बोलता है कि ऑल दिस दाउ हैस्ट डन अनडू और अनटू दैट इब्राहिम हु स्लीव दाई सन, मतलब तुम्हारे सन को और तुम्हारे बेटे को जिसने मारा है वो शायद मैं ही हूं, आप मुझे अपने हाथों से उसकी सजा दीजिए, मेरे को पनिशमेंट दीजिए, ऐसे वो यहाँ पे शायद बोलता है, राइट। मतलब क्या कि अ स्ट्रेंजर बोज टू यूसुफ एंड रिक्वेस्ट टू टेक हिज रिवेंज एंड गिव हिम अ चांस टू रिपे फॉर हिज डिड फॉर हिज यू नो क्राइम फ्रॉम हिज यू नो यू कैन से मिस फॉर्चून यू कैन से। तो ये बात के लिए वो बोलता है कि मुझे तुम पनिश करो। यहाँ पे जब उसको पता चलता है तो वो तो जगह पे बैठ जाता है, कौन? यूसुफ। कि उसको पता चलता है कि इसने ही मेरे बेटे को मारा था, तो ऐसी बात में क्या कि वो तो उसको गुस्सा आना है, उसको गुस्सा आएगा ही विल बी वेरी एंग्री अपॉन दैट स्ट्रेंजर मैन, राइट। बट आगे में देखिए अगले स्टांजा में क्या होता है। फिफ्थ स्टांजा द पोएट राइट लाइक दिस, टेक थ्राइस द गोल्ड सेड यूसुफ फॉर विद दी इन टू द डेजर्ट नेवर टू रिटर्न, माई वन ब्लैक थॉट शैल राइड अवे फ्रॉम मी, फर्स्ट बॉर्न फॉर हूम बाई डे एंड नाइट आई यान बैलेंस्ड एंड जस्ट आर ऑल द गॉड्स डिक्रीज, दाउ आर्ट अवेंज माई फर्स्ट बॉर्न स्लीप इन पीस। इन द लास्ट स्टांजा द पोएट सेज दैट दिस शेख यूसुफ इज वेरी मच शॉक्ड टू नो दैट कि दिस स्ट्रेंजर मैन हैज किल्ड हिज सन एंड ही सैट मोशनलेस, हिज माइंड स्टार्टेड स्ट्रगलिंग बिटवीन द रिवेंज एंड फॉरगिवनेस, ही गेव थ्राइस द गोल्ड कॉइन्स एंड आस्क हिम और दैट आस्क
that Ibrahim to leave that place immediately into the desert, he says. And he also says, ki you should not, or you will never return to my place, you should not return back to this place. Likewise, he says, matlab kya? कि जैसे ही उसको पता चल जाता है कि इसी ने मेरे बेटे की हत्या की थी, वो जगह पे बैठ जाता है, उसके मन में एक रिवेंज की भावना आती है, बदले की भावना आती है, लेकिन साथ में ही वो एक बहुत ही अच्छा आदमी था, जो कि वो फॉरगिवनेस ह्यूमैनिटी का यहाँ पे परिचय देता है। वो बोलता है कि तुम मेरे नजरों से चले जाओ, और मेरे माइंड में जो बदले की भावना है, ब्लैक थॉट्स जो बोलते हैं, रिवेंज की जो भावना है, शैल राइड्स अवे फ्रॉम मी, मतलब तुम्हारे साथ वो चली जाएगी। और वो बोलता है कि माय फर्स्ट बॉर्न फॉर हुम बाय डे एंड नाइट आई अर्न, मतलब मेरे बेटे के लिए जिसके मैंने मेरा दिन रात एक किया था, उसको उसके बदले की भावना मैं यहाँ पे नहीं एक्सप्रेस कर सकता, उसके मन के शांति के लिए, उसके आत्मा के शांति के लिए, जो पीस में या रेस्ट इन पीस रहने के लिए, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुमको माफ करता हूँ अगर तुमको लगता है तो, मैं कैसे थ्राइस द गोल्ड टेक फ्रॉम मी, राइट। लाइकवाइज ही सेज एंड ही फॉरगिव दैट स्ट्रेंजर, फॉरगिव दैट इब्राहिम, राइट। सो माय डियर स्टूडेंट, यू कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फॉरगिवनेस, जिसको हम क्षमा कहते हैं, शांति कहते हैं, शील कहते हैं, और करुणा कहते हैं। इसका परिचय यहाँ पे हमको इस पोएम में यूसुफ के माध्यम से सीखने को मिलता है, राइट। एंड इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इन वेरी शॉर्ट अबाउट दिस पोएम, सो दिस पोएम शोज द स्ट्रगल इन यूसुफ्स माइंड बिटवीन स्ट्रगल एंड रिवेंज, राइट, और द रिवेंज एंड फॉरगिवनेस एंड द कंफ्यूजन टू रिटर्न इविल फॉर इविल और गुड फॉर इविल, दैट वी कैन अंडरस्टैंड इन दिस पोएम। द स्ट्रेंजर इब्राहिम वॉज अ कल्प्रिट, ही वॉज अ वेरी यू नो ही वॉज अ क्रिमिनल फॉर हिम, एंड ही वॉज ऑल्सो हिज गेस्ट ऑल्सो, यू नो, जो हमारे भारतीय देश में देखते हैं कि अतिथि देव, तो दुश्मन को भी हम अपने घर में रखने के लिए तैयार हो जाते, तो इसीलिए वो अपने दुश्मन को भी अच्छी तरीके से एंटरटेन करता है और उसको फॉरगिव करता है, उसको क्षमा करता है और उसको जाने के लिए बोलता है। तो इस तरह से एक रिवेंज को से क्षमा में तब्दील किया जाता है, कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इसका एक परिचय इस पोएम में हमको सीखने को मिलेगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू आर न्यू यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ द अपलोडेड वीडियो। थैंक यू।